नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 100 दिनों बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है अपने मंत्रिमंडल को विस्तार देने में। हर तरफ से दबाव, और उन्होंने खुद भी स्वीकार किया है, पान करना पड़ा है उन्हें इस विस्तार के लिए। सिंधिया कैम्प का दबाव था, जो 22 विधायक तोड़कर सिंधिया लाए थे कांग्रेस से, उन सबको एकोमोडेट करना था, उनसे वादे किए गए और पता नहीं आगे कौन कौन से वादे हैं जो पूरे करने पड़ेंगे। तो ये तमाम तरह की दिक्कतों के बीच 100 दिन बाद मध्य प्रदेश में एक मंत्रिमंडल है। 100 दिन इसी तरह से सरकार वहां चली है, अब कैसे सरकार चलेगी इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्वालियर से हमारे साथ हैं राजेश अचल जी और इंदौर से हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी। दोनों ही बहुत मजे हुए अनुभवी पत्रकार हैं, एक मालवा से एक चंबल क्षेत्र से। उम्मीद है क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, इसका बहुत कुछ फोकस चंबल रीजन पर है, मालवा पर है, तो हमें कुछ आप लोगों से विशिष्ट जानकारियां मिलेंगी। इस उम्मीद के साथ बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले अचल जी, क्या आपको लगता है सिंधिया कैंप ने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो जिस पार्टी को तोड़कर जिसकी वजह से वो बीजेपी में गए थे, और इसका क्या इम्पैक्ट इस चंबल क्षेत्र पर पड़ने जा रहा है? इस मंत्रिमंडल विस्तार का क्या असर पड़ेगा मोटे तौर पर? अभी पहला सवाल। देखिए, सिंधिया ने जिस चीज को हासिल करने के लिए कांग्रेस छोड़ी थी वो तो उन्हें हासिल हो ही गया, बल्कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार के जरिए उन्होंने उससे कुछ ज्यादा हासिल कर लिया। वे जब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो उनके साथ जो 22 विधायक थे उनमें से मात्र 6 विधायक मंत्री थे, और अब जो स्थिति है उसे मिलाकर आप देखें तो 12 से ज्यादा विधायक उनके जो है पूर्व विधायक तो अब है ही नहीं, मंत्री बन चुके हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले उपचुनाव में इन मंत्रियों को जिस ढंग से तैयार बनाया गया है, शपथ दिलाई गई है, हर जिले में दो दो तीन तीन मंत्री उनके हो गए हैं, और 16 सीटें चूंकि इसी अंचल से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीतना है, उस लिहाज से ये रणनीति और यही दबाव शिवराज सिंह जी पर शायद रहा होगा कि उन्हें पहली बार चुने गए विधायकों तक को इस क्षेत्र से मंत्री बनाना पड़ा। और मुझे लगता है सिंधिया बहुत खुश होंगे क्योंकि उनके 6 से 12-13 विधायक हो गए, यानी जो ताकत कांग्रेस में उनके पास नहीं थी वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें हासिल हो गई है। अच्छा जी, ये बताइए कि चंबल क्षेत्र में जहां बीजेपी का अपना भी एक बड़ा जनाधार है, वहां सिंधिया कैंप का इस तरह से मजबूत हो जाना, इतने सारे मंत्री बन जाना, अब वो जो दोनों पार्टियों के बीच की टसल है वो क्या शेप ले सकती है? देखिए, ये टकराव तो अंततः बढ़ना है, लेकिन इस टकराव का जो नेतृत्व जिन क्षत्रपों के हाथ में होना चाहिए था, वे क्षत्रप भी इस समय की मांग को देखते हुए सिंधिया के सामने खड़े होने के बजाय दाएं बाएं खड़े हो गए हैं। आप देखेंगे कि आज के शपथ ग्रहण में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के एक समर्थक हैं भारत सिंह कुशवाहा, उनको मंत्री बना दिया गया। मात्र एक समर्थक उनका मंत्री बना इस पूरे अंचल से, और बाकी के सारे सिंधिया के बने। इसका आशय यह है कि वे समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में एक महत्वपूर्ण स्थिति हासिल करेंगे, और उनसे टकरा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, स्थानीय नेताओं को और कार्यकर्ताओं को कुछ हासिल होगा नहीं। उदाहरण इसका यह है कि यहाँ पर एक सीट है ग्वालियर सीट केवल, जिसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री हुआ करते थे, उनका विरोध जयभान सिंह पवैया ने खुलकर किया कि इन्हें अगर मंत्री बनाया गया तो फला हो जाएगा, ठिकन हो जाएगा, लेकिन अंततः उन्हें भी हथियार डालने पड़े। प्रभात झा सिंधिया के मुख्य विरोधी थे, वो पर्दे के पीछे चले गए। तो ऐसे में अब कोई बचा नहीं संचल में जो सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए चुनौती दे सके। जी प्रकाश जी, इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शिवराज सिंह चौहान आपको कितने कमजोर, कितने मजबूत दिखते हैं? पिछले 3-4 महीनों में ऐसा लग रहा है कि हाई कमान के सामने वो असहाय, उनके हाथ में कुछ नहीं है, और जब वो दिल्ली से लौटे थे मंत्रिमंडल विस्तार पर बातचीत करके, तब भी उनके हाव भाव यही कहते थे, उनके बयान भी कहते थे। अब इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो मंत्रिमंडल का नेतृत्व है उसे आप कितना ताकतवर या कितना कमजोर देख रहे हैं?
अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ताकत काफी कम हो गई है और वो इस बात को महसूस भी कर रहे हैं। उनकी असहायता नजर आती है कि वे जिन जिन लोगों को मंत्री बनाना चाहते थे मंत्री नहीं बना पाए। दो मंत्री ऐसे बने जो सीधे सीधे उनसे ब्लैकमेल करके मंत्री बने हैं, गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह, उन्हें मंत्री नहीं बनाना चाहते। शिवराज सिंह की बातें चली नहीं, भाजपा आला कमान ने उनकी बातें नहीं मानी और भाजपा में यहाँ जो सुहास भगत थे जो आरएसएस के प्रतिनिधि के तौर पर बीजेपी संगठन को देखते थे उनकी शिवराज सिंह से बड़ी टसल चलती रही। वो ये कहते रहे कि आप नए लोगों को मौका दीजिए और इसीलिए 9 ऐसे लोगों को मौका दिया गया जो पहली बार मंत्री बने जिन्हें मंत्री पद का अनुभव नहीं रहा। तो बीजेपी के लिए चुनौती थी कि अपने नए लोग तैयार करें, पुराने लोगों को दरकिनार करें, उन्हें मार्गदर्शक मंडल जैसा कुछ बना के खपा दें। ये चुनौती भी है। सबसे मजबूत चेहरा इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नजर आ रहा है और यह मजबूरी साफ नजर आ रही है। अब अचल साहब यहाँ है, आप कह सकते हैं कि अचल साहब का इलाका जो है वो भारी पड़ गया है मालवा विमान। उषा ठाकुर यहाँ से मंत्री महूर की है, मंत्री बनी है, पहली बार मंत्री बनी है, लेकिन वे भी आरएसएस की ही प्रतिनिधि रही है, उन्हें आरएसएस की प्रतिनिधि के तौर पर ही टिकट मिला। मतलब शिवराज सिंह चौहान की बातें उतनी चली नहीं और शिवराज सिंह चौहान मजबूरी का नाम शिवराज सिंह चौहान हो गए हैं ऐसा लगता है। तो अब यह हाई कमान की चल रही है, मुख्यमंत्री अब उस तरह से मजबूत नहीं है। ये बताइए कि अब उमा भारती ने चिट्ठी लिख दी है, वो असंतोष जाहिर कर रही हैं साफ साफ कि जातीय संतुलन नहीं रखा गया इस विस्तार में, तो उमा भारती का असंतोष जाहिर करना क्या मायने रखता है और क्या इस तरह के और भी असंतुष्ट हो सकते हैं जो धीरे धीरे करके सामने आएंगे, जो भारत बीजेपी की मुसीबतों को बढ़ा सकते हैं जो 24 सीटों के चुनाव होने उसके पहले। अभी पूरा जोर इनका 24 उपचुनाव पर है क्योंकि 14 मंत्री ऐसे जिन्हें उपचुनाव का सामना करना पड़ सकता है, तो उन्हें उपचुनाव लड़ना है और उनको जीतना है किसी भी दशा में, वरना उनका मंत्री पद जाएगा। तो बीजेपी संगठन ने सिंधिया की सारी बातें इसलिए भी मान ली, उनके फेवर में इसलिए मान ली, फिर अपने ही पार्टी के लोगों को दरकिनार कर दिया ताकि सत्ता बनी रहे और किसी तरह उपचुनाव में बीजेपी की सीटें आ जाएं कि वो सरकार में बने रह सके। तो ऐसी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है और ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है या सिंधिया की सरकार है या शिवराज की सरकार है, ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार, क्योंकि बीजेपी के नेता कम नजर आ रहे हैं या जो हैं वो बेचारे एक कोने में नजर आ रहे हैं, और जो कांग्रेस से आए हैं, जो कांग्रेस से 3 तो ऐसे हैं जो शिवराज के खेमे के भी, जो सिंधिया के खेमे के नहीं थे लेकिन फिर भी वे मंत्री बन गए। तो ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस वाले हैं उन्हीं की सरकार चल रही है। राजेंद्र माथुर साहब एक बात कहा करते थे कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, सत्ता चलाने का तंत्र है। तो बीजेपी और खासकर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ये बात साबित कर रहे हैं कि सत्ता चलाने का तंत्र ही कांग्रेस है, चाहे बीजेपी कह लो चाहे कांग्रेस कह लो। एक और खास बात, जो नरेंद्र सिंह तोमर सिंधिया के बारे में अच्छी बातें नहीं कह रहे थे, इशारे इशारे में वे अब गलबहियां करते नजर आ रहे हैं। वे लगता है कि उन्होंने दोनों ने जोड़ी बना दी है ताकि शिवराज सिंह चौहान के वर्चस्व को या उनकी महत्व को कम किया जा सके। अब जब तक उपचुनाव है तब तक भाजपा का आला कमान शिवराज सिंह चौहान को भी दरकिनार नहीं कर पाएगा क्योंकि तो मुख्यमंत्री का अपना वजूद है और सरकार बदलने से फर्क काफी पड़ेगा, इज्जत खराब हो सकती है, वोट भी प्रभावित होंगे। तो अब सारी ताकत है कि कैसे उपचुनाव जीतें, उपचुनाव में टिकट बांटने को लेकर ही झगड़ा चल रहा है, तो अब झगड़े की शुरुआत लंबी चलेगी। अचल जी, आपको क्या लगता है और किस तरह के असंतुलन है और उसका कांग्रेस को कैसे कहां से फायदा मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस इस विस्तार को बड़े ही बेसब्री से देख रही थी कि कैसे ये विस्तार करेंगे और उसमें उसके लिए कहां विरोध को इस्तेमाल करने की गुंजाइश बनेगी। तो आपको क्या लगता है अब कहां कांग्रेस के लिए गुंजाइश बची है, क्या ये जो लोग चुनाव होने वाले हैं उसमें इतने सारे मंत्री बनाकर बीजेपी ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। देखिए, जहां तक ग्वालियर चंबल संभाग का सवाल है, इस अंचल से सर्वाधिक 16 सीटें उपचुनाव की लड़ी जानी और इन सीटों को लेकर के इस मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन बहुत बढ़िया बनाया गया।
मैं देखता हूं कि जिन पिछले मंत्रिमंडल में जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल था या उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्रिमंडल था, उसमें इस अंचल का इतना बेहतरीन जाति संतुलन नहीं था। 8 जिले हैं इस संभाग में, दोनों संभागों में, और उनमें हर तरह की अगड़ी पिछड़ी जातियां हैं, लेकिन पिछले मंत्रिमंडलों में उस हिसाब से यहाँ मंत्री नहीं बनाए गए। अकेले ग्वालियर में 4 मंत्री थे, लेकिन भिंड, मुरैना और आपका श्योपुर, शिवपुरी, इन इलाकों से कोई मंत्री नहीं था। आज की स्थिति में जहाँ मुरैना में मान लीजिए पिछड़ी सीटें हैं, तो वहां पर एदल सिंह कंसाना वो बना दिया है। ग्वालियर में जैसे एक जमाने में कुशवा समाज इस पूरे अंचल में बहुत है, तो नरेंद्र सिंह के एक समर्थक भारत सिंह ने उनको मंत्री बना दिया है। मुरैना, भिंड में आप जाएंगे तो वहाँ जाति आधार पर 2 ठाकुर मंत्री बनाते हैं, अरविंद सिंह हालांकि संघ हैं। लेकिन अचल जी, ये नहीं लगता आपको कि एक बड़ा क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है इस मंत्रिमंडल में? पूरी तरह से चंबल मालवा के मंत्री अगर भर गए हैं तो बाकी क्षेत्रों को तो प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला, उसका भी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। देखिए, मंत्रिमंडल के गठन का कोई एक स्थापित मानदंड कभी नहीं रहा, ये वक्त और जरूरत के हिसाब से मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं, और आज की जरूरत है उपचुनाव जीतना किसी भी सूरत में। इस लिहाज से आप देखेंगे तो ग्वालियर चंबल संभाग को ज्यादा वजन की जरूरत थी, वो मिला है। जबलपुर संभाग पिछले मंत्रिमंडल में कहीं नहीं था, वहां से लोग आए हैं। आप देखेंगे मालवा में इंदौर बिल्कुल शून्य था एक जमाने में, बीजेपी के मंत्रिमंडल में भी और कांग्रेस के मंत्रिमंडल में भी। उस वहां से सब जगह से जहां जरूरत है, उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल सही किया है। लेकिन मैं अगर एक शब्द में कहना चाहूं तो मुझे ये जो मंत्रिमंडल है पीपीपी मॉडल लगता है, मंत्रिमंडल का ये मॉडल पीपीपी वाला है। इसी की जरूरत थी, जहां जिसको जरूरत है उसको ले लीजिए, उसकी योग्यता मत देखिए, उसका अनुभव मत देखिए, केवल और केवल उपचुनाव जीतना है ये देखिए, इसके बाद जो भी जरूरत होगी तो देखा जाएगा। और बीजेपी को इसका खामियाजा मेरे को लगता है कि नहीं भुगतना पड़ेगा। तो प्रकाश जी, ये माने कि ये अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार है केवल चुनाव के लिए है, उसके बाद फिर इसका पुनर्गठन होना है, इसमें से कुछ छटाई होगी, कुछ नए लोग आएंगे, ये प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है? हालांकि प्रक्रिया ये कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन ये फौरी मंत्रिमंडल विस्तार हम मान सकते हैं चुनाव के लिहाज से, बाद में एक ज्यादा तर्क संगत मंत्रिमंडल गठित किया जा सकता है इन चुनाव के नतीजे आने के बाद? हाँ, अभी तो उनका नतीजा ये है कि देख ले उपचुनाव में कौन कौन से मंत्री है, विधायक बन पाते हैं या नहीं बन पाते, तो आधा काम तो शिवराज सिंह का यूं ही आसान हो जाएगा, जो नहीं बन पाएंगे उन्हें हटाना, उनकी जगह दूसरे लोग ले पाएंगे। दूसरी बात, आला कमान इंतजार में है कि कब ये झंझटों से मुक्त हो, ऐसा ना हो कि पता चले कि उपचुनाव में बीजेपी का भट्टा बैठ जाए, इसलिए उन्होंने पूरी गठजोड़ बिठा रखी है। कांग्रेस के भीतर भी उबाल है और बीजेपी के भीतर भी उबाल है। मध्य प्रदेश में जैसे मालवा, इंदौर, उज्जैन संभाग के 5 सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां विद्रोह अभी से खुलकर सामने आ गया है। भंवर सिंह शेखावत खुलकर आ गए हैं, देवास में कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी खुलकर आ गए हैं, तो इस विद्रोह को संभालना बीजेपी के लिए मुश्किल काम है। और बीजेपी आरएसएस की मदद ले रही है और आरएसएस पूरी निगाह रखेगी उपचुनाव में, लेकिन अंततः तो निर्णय तो मतदाता को करना है। तो अभी तो धुकधुकी बीजेपी को यह है, शिवराज सिंह चौहान को भी यह है कि किसी तरह सरकार को बनाकर रखा जाए या नहीं। अभी एक सीट खाली है, 34 मंत्री बनाए जा सकते थे, एक पद खाली रखा है ताकि झुंझुने के तौर पर 8-10 लोगों को लगे कि शायद गाजर उनके सामने लटक रही है, उन्हें मिलने वाली है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब खेल शुरू हुआ है, ये तमाशा फौरी मंत्रिमंडल नहीं, ये 100 दिन पुराना मंत्रिमंडल, 100 दिन के मंथन के बाद जो निकला है, अमृत और विष की बात करते हैं, जो निकला है वो पूरी की पूरी छाछ है, उसमें न कोई मक्खन है न मलाई है, केवल छाछ है और सड़ा हुआ दही 100 दिन में जो हो जाता है वो दर्शा रहती है सरकार की। अब चुनाव देखते हैं, चुनाव में अब कब उपचुनाव होते हैं, उसकी तारीख कब आती है, और अभी तो टिकट को लेकर झगड़े होंगे, टिकट के बाद फिर चुनाव जीतने का संघर्ष होगा, जीतने के बाद फिर जो मंत्री हार जाएंगे उनके लिए संघर्ष होगा, तो अब ये राजनीति का तमाशा बड़ा शुरू हुआ। ये बताइए अच्छा जी, क्या उमा भारती का जो विरोध है वो कोई मायने रखता है, उसको कोई तवज्जो मिलेगी पार्टी में? वैसे मेरे ख्याल से तो कोई बहुत मायने नहीं रखता, मेरे ख्याल से बहुत मायने नहीं रखता उमा भारती का विरोध, क्योंकि उमा भारती
को जब मध्य प्रदेश से प्रदेश बदल किया गया था, यूपी भेजा गया था, तभी से उनका वजूद कम हो गया। दूसरी बात, उनके खास सिपा सालार थे प्रहलाद पटेल, वो अभी मंत्री हैं केंद्र में और वो पूरी तरह संतुष्ट हैं। उमा भारती जी के साथ खुद अभी बहुत सारे लोग नहीं हैं, वे शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से या बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से उनकी नाराजगी चल रही थी, पर वो उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है अभी, तो न तो उपचुनाव में उनकी बात सुनी जाने वाली है, न पिछले चुनाव में उनके लोगों को टिकट दिए गए हैं, तो उमा भारती बहुत मायने आज की तारीख पर नहीं। अच्छा जी, क्या आपको लगता है कि शिवराज सिंह भी अभी काम चलाऊ ही मुख्यमंत्री हैं? एक बार चुनाव हो जाने के बाद मुख्यमंत्री के बदलने का भी समय आ सकता है, क्योंकि अभी तक जिस तरह से चल रहा है ये स्पष्ट लग रहा है कि हाईकमान उनको बनाना भी नहीं चाहता था, बनाए रखना भी नहीं चाहता है, उनको फ्री हैंड देना भी नहीं चाहता है, तो अंततः हाईकमान के दिमाग में ये है ये चुनाव निकल जाए, सरकार स्थिर हो जाए, फिर पता नहीं नरेंद्र सिंह तोमर का नंबर लगेगा या नरोत्तम मिश्रा का नंबर लगेगा। क्या आपको ये शंका संदेह दिख रहा है यहाँ पर? देखिए, ये जो आशंकाएं और संभावनाएं हैं ये तो शिवराज सिंह जी के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही शुरू हो गई थी, और पिछले एक हफ्ते में जो गतिविधियां केंद्र और भोपाल में चली हैं उनसे सीधा सीधा जाहिर है कि ये एक काम चलाओ मंत्रिमंडल है, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में ये जो दल बदल के बाद सत्ता उनके हाथ में आई है इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहती, इसलिए कुछ समय के लिए शिवराज सिंह जैसे थे वैसे वहां रख दिए गए हैं, लेकिन वो एक कंफर्टेबल जो एक मुख्यमंत्री का किसी भी प्रदेश में आप देखते हैं वैसा शिवराज सिंह जी के पास इस समय नहीं है, और निश्चित तौर पर जैसे ही उपचुनाव के नतीजे आएंगे अगर वे भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं आए तो शिवराज सिंह जी को हर हालत में जाना पड़ेगा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा ये बात की बात है, लेकिन वे स्थायी तौर पर यहाँ रहने वाले नहीं है, ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। अंत में 30-30 सेकंड में मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा बिंदु जो हम अभी डिस्कस ना कर सके हो उस पर आप अपनी टिप्पणी रख दें। सबसे पहले प्रकाश जी, आप नरोत्तम मिश्रा बड़ी दावेदारी कर रहे हैं और जंग छिड़ी हुई है शिवराज सिंह नरोत्तम मिश्रा, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए आखिर। हाँ, लेकिन वो मुख्यमंत्री ही बनना चाहते थे और उनकी कोशिश है कि मुख्यमंत्री बने, और शिवराज सिंह चौहान उनके घर भी हो आए, उनके घर नाश्ता भी कराए, उनसे गली गलबैया भी कराए, ये स्थिति मुख्यमंत्री की है। मतलब उन्हें लगता है कि पांच मंत्री थे उनमें से नरोत्तम, जब पहले पांच मंत्रियों ने शपथ ली थी तब भी नरोत्तम मिश्रा का जलवा था, शिवराज सिंह पहले पहुंचे, नरोत्तम मिश्रा के बाद पहुंचे शपथ लेने के लिए राजभवन, तो लगता है कि वो ज्यादा सशक्त दावेदारी पेश कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा जी, बिल्कुल मुझे भी लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आज की स्थिति में जो ताकत उन्होंने हासिल की है उसकी बिना पर आने वाले दिनों में उपचुनाव के बाद शिवराज सिंह जी को पदस्थ करने में एक भूमिका निभा सकते हैं, और उनके लिए ये जो दो नाम है उत्तराधिकार के तौर पर नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र सिंह, ये दोनों ही बहुत कम्फर्ट लेवल पर इनके साथ काम करने वाले लोग हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी में जब नहीं थे ज्योतिरादित्य तब भी उनके लिए बहुत तरीके से काम करते थे, तो तय है कि आने वाले दिनों में इन लोगों की लॉटरी खुल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। दोस्तों, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, चुनावी मंत्रिमंडल है ये स्पष्ट है, और ये भी स्पष्ट है कि शिवराज सिंह चौहान अब पहले बार की तरह मुख्यमंत्री नहीं है, हाईकमान के एक कहना चाहिए कि हाईकमान के हाथों में है, खेल रहे हैं, और बहुत लंबा समय शायद उनके पास नहीं है, चुनाव नतीजे काफी कुछ तय करेंगे कि वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और ये मंत्रिमंडल भी आप ये मानिए कि अस्थाई है, चुनाव नतीजे आने के बाद 24 उपचुनाव होने उसके बाद फिर से मंत्रिमंडल का एक नया आकार देना पड़ेगा उसे, और तब तक हमें स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस इस बीच में अपने आप को किस तरह से यहाँ पर इस पूरी रणनीति में अपने को खड़ा करती है, वो खुद को इस चुनाव का फायदा ले पाने का स्थिति में बना पाती है नहीं बना पाती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद।
इस बातचीत के लिए। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।